तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखिए, टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इक्वल टू प्रूव करना साइन इनवर्स 31 और 25 अंडर रूट टू, यही इसकी वैल्यू प्रूफ करके लाना, ठीक है ना। क्या करना है, टू टेन इनवर्स वन बाई टू टेन इनवर्स वन बाई सेवन साइन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, सॉल्व करके लानी। आया समझ में? तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड पे, तो आइए देखते हैं। चलिए दिख रहा है ना, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है टू टेन इनवर्स, तो हम लोग जानते हैं देखिए टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से देख लीजिए, हमारा फॉर्मूला क्या है आप देखिए, तो हमारा फॉर्मूला था टू टेन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x और यहाँ पे कितना हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे हम लोग क्या कर सकते, देख लीजिए कितना होगा, कितना, क्योंकि टू टेन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो इस तरह के हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको देखिए हम लोग रखते हैं, चलिए आइए देख लीजिए क्या है क्वेश्चन क्या है, तो देखिए लगाते हैं आइए। तो चलिए आइए देखते हैं, तो क्या होगा, टू टेन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x और यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस नहीं माइनस होता है, क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसके हिसाब से फार्मूला इसकी जगह रखेंगे, सोल्यूशन अगर लेते हैं, तो टू टेन इनवर्स 1 बाई टू टू टेन इनवर्स 1 बाई टू की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 1 बाई टू अपान यहाँ 1 माइनस 1 बाई टू का स्क्वायर अगर कर देंगे इस तरीके से, तो और प्लस जो है टेन इनवर्स 1/7 ऐसे लिख देंगे। तो आप देखिएगा टेन इनवर्स यहाँ पे हमारा ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स 1/7। उसके बाद इसको हम लोग लेंगे टेन इनवर्स, ये ऊपर 4 चला गया और यहाँ 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 हो गया, तो ये हो गया प्लस टेन इनवर्स 1/7। आगे हम लोग देखते हैं टेन इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स क्या है, बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 मल्टीप्लाई 1/7 और अपान यहाँ होगा कितना 1 माइनस 4/3, यहाँ देखिए कितना होता है, तो नहीं यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ हम लोग का क्या होता है x प्लस वाई और 1 माइनस कितना होता है x इंटू वाई, तो x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7 और यह मल्टीप्लाई हो जाता है 1/7, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा हमारा टेन इनवर्स और यहाँ हमारा वैल्यू देखिए किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब देखिए, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 28 ये 3 ये और यहाँ कितना होगा 21 और यहाँ कितना हो जाएगा 21 यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या हो गया 4 यहाँ अपान यहाँ कितना होगा 21 21 कट जाएगा 28 3 31 और यहाँ कितना हो गया 4 घटा दिया तो कितना हो जाएगा देखिए 28 ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा हो गया कितना 31 और इसमें 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा पहले और 3 करेंगे 17 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा ये टेन इनवर्स की वैल्यू है कितने की है, तो टेन इनवर्स की वैल्यू ये है, इसको हम लोग क्या करते हैं थीटा मान लेंगे, इसके इक्वल क्या मानेंगे थीटा मानेंगे, तो 31/17 इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। अब इस थीटा से ध्यान से देखेंगे, अगर आप दिख रहा तो यहाँ बना रहे हैं, देखिए एक फिगर बनाएंगे इससे,
अगर ये थीटा है तो थीटा इक्वल कितना होता है, थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये 31 है अपन बेस ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके, तो अंडर रूट में करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में करेंगे कितना, 17 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 31 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दिख रहा है कि नहीं, ऊपर सबसे पहले तो ऊपर वाली लाइन दिख रही है जो मैं वहाँ बता रहा हूँ, नहीं दिख रहा ना, यही चीज़ देखना था। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा तो नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे पहले दिखा कि नहीं, ये देखिए जो मैं वहाँ फिगर बना हूँ दिख रहा है, हाँ इतना दिख रहा है, तो देखिएगा क्या है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहीं ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करते, देखिए यहाँ से हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ चुका है टेन इनवर्स 31/17, और हमने क्या इसके इक्वल थीटा मान लिया, तो 31/17 इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा की वैल्यू हम लोग को क्या करनी है, हम फिगर को क्वेश्चन तो ऊपर है, ठीक है, इसके बाद इसको हमने मान लिया, इस फिगर हमने इस फिगर को बनाया, यहाँ थीटा मान लिया 31/17 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी थीटा की यहाँ से निकालना है कितना, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा 17 स्क्वायर प्लस कितना होगा 31 स्क्वायर, 17 स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, और 31 × 31 हो जाएगा आपका कितना 31, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पे 90 हो जाएगा 961, इसको हम लिखेंगे 961, फिर क्या होगा 961 और आपका 289 दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 यहाँ हो गया, उसके बाद कितना होगा 15 हो गया, और यहाँ से हो गया 1200 कितना हो गया 50, कितना हो गया 1250, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 6 यहाँ हो गया और 2×2 = 4, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से काट दिया, 2 से नहीं कटेगा, चलिए 5 से काट दिया हमने इसको, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, तो 5 का 25 से काट दिया, 25 का 25, 25 का 25, ठीक है ना, बना गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो वैल्यू हो रही है आ रही है 25 अंडर रूट में 2 आ रही है। अब देखिए यहाँ से तो हमने लिख दिया, तो अगर हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स, मतलब टेन थीटा की वैल्यू अगर साइन इनवर्स में रखेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 31/ कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट में 2, ये हो गया हमारा टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, तो हमारी आ जाएगी 31/25, ठीक है, कितना आएगी 31/25। तो इधर से टेन इनवर्स की वैल्यू जो होगी, इधर से साइन इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है इसकी जो वैल्यू होगी क्वेश्चन की, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, तो यहाँ देखिए आपने दिखाया कितना, साइन इनवर्स 31/25 √2, और कैसे आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार देख ले तब स्क्रीनशॉट ले, सबसे पहले क्या आप किया, 2 tan इनवर्स इक्वल टू होता है 2x 1 − x², इन दोनों इसको डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देंगे किस में, टेन इनवर्स 2 इस फॉर्मूले में रखे 1/2 1 − 1/x, ये कट गया, इसका इसको 1/4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, 4 ऊपर हो गया, तो ये आ गया 3/4, फिर ये वाला साथ लेके, अब टेन ए प्लस बी मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 − x × y लगा दिया, तो सॉल्व करते हुए हम लोग क्या पहुंच गए यहाँ पे 31/70, इसी टेन इनवर्स 31/70 को हमने थीटा मान लिया, और उसके बाद तो ये टेन थीटा हो गया, फिर फिगर ये हमने फिगर ड्रा किया ट्रायंगल, और इसमें हाइपोटेनस निकालेंगे, जैसे हाइपोटेनस निकलेगा तो हम लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि साइन इनवर्स क्या होता है, तो साइन इनवर्स की जो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 31/25 होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 31/25 √2, यही जो उधर से थीटा इधर से थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले तब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखिए अब लॉन्ग वाला है ये, तो आइए चलिए सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आइए देखते हैं।
तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए सेकंड का क्वेश्चन जो है, आप इरेज वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग लेते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, याद दिख रहा है ना इस लाइन पे, यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखिए सामने है, टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस स्क्वायर कॉस इनवर्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है टेन इनवर्स कितना होता है, तो एक्स होता है, ठीक है ना, क्या होता नहीं, कितना होता है ये, तो टू टेन इनवर्स एक्स होता है। कितना होता है, साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स होता है, और कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपान वन प्लस वाई स्क्वायर भी होता है टू टेन इनवर्स, यहाँ पे वाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपान वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू टेन इनवर्स। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा टेन वन बाई टू, और यहाँ हो गया टू टेन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ होगा टू टेन इनवर्स ये वाई हो गया, आया समझ में। अब यहाँ टेन इनवर्स वन अपान टू, ये टू कॉमन कर लेंगे इससे कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा कितना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, टेन इनवर्स कितना होता है, तो एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, यही फार्मूला भी है, यही दिया भी है। तो टेन इनवर्स कटेगा तो हमारा एक्स वाई अपान यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। देखिएगा ध्यान से क्या क्या करना था, सबसे पहले हमको करना है टेन इनवर्स साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस स्क्वायर फार्मूला लिखना, जो टू टेन इनवर्स हो सक होगा, और कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर है तो उसको टेन टू टेन इनवर्स वाई लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, टू कॉमन कर काट देंगे, तो यहाँ पे खाई टेन बचेगा, और ये फार्मूला डायरेक्ट टेन इनवर्स का होता है एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, और टेन टेन कट गया तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप सेकेंड क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लीजिए तब आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे, तो आइए जो है सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान से देख लीजिए, इसमें फोर पार्ट में दिया है, टेन इनवर्स वन बाई फाइव, टेन इनवर्स वन अपान सेवन, टेन इनवर्स वन अपान थ्री प्लस टेन वन अपान सेवन इक्वल टू, प्रूफ करके लाना पाई बाई फोर, ठीक है। मतलब टेन इनवर्स जो है वन बाई फाइव टेन वन अपान सेवन, ये सब करके वन बाई फोर। तो हम लोग क्या करते हैं, दो का पेयर बना के फार्मूला लगाएंगे, तो इसका सलूशन जो होगा, सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला लिखते हैं हम कि टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, यही फार्मूला हमारा इसमें लगेगा। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, तो दो एक एक साथ ले लेंगे, तो टेन इनवर्स तो यहाँ कितना होगा, वन अपान फाइव प्लस वन अपान सेवन और अपान वन माइनस वन अपान फाइव वन अपान सेवन, एक साथ इसको ले लेंगे, फिर टेन इनवर्स। अब दूसरे एक साथ करेंगे इसको, क्या करेंगे, वन अपान थ्री है तो वन अपान थ्री प्लस वन अपान एट अपान, फिर लिखेंगे कितना, तो वन माइनस वन अपान थ्री वन अपान एट, इसको सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स, ये हो गया कितना, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे सेवन होगा, इसमें सात पाँच बारह ट्वेल्व हो गया,
और नीचे 35 होगा। फिर यहाँ से लेंगे कितना होगा 12, यहाँ 7 5 12 में से घटाएंगे कितना 11 और यहाँ 35 होगा। 35 35 काट देना, फिर प्लस 10 इनवर्स इसमें आ जाइए, इसमें कितना होगा 8 3 24, 8 3 11 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 24 अपान नीचे कितना होगा यहाँ पे 8 3 24 में से घटाएंगे 23 और यहाँ कितना होगा 24, 24 से 24 कट गया तो यहाँ पे आएगा 10 इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई कितनी। देखिए पहले कौन कौन सा कटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 12 ऊपर है, नीचे वाला कटा है तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 11 और यहाँ प्लस कितना होगा 10 इनवर्स 11 अपॉन 23 ये आ गया। ठीक है, फिर से एक बार फॉर्मूला लगेगा, क्या हुआ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए इसको काटे, तो अगर इसको देखें कैसे कटता, इतना मल्टीप्लाई ये अपॉन तो ये आ गया, इतना ये तो ये आ गया। अब फिर से फॉर्मूला लगाने हैं 10 इनवर्स, फिर से अब क्या लिखेंगे 12 अपॉन 11 प्लस 11 अपॉन 23 फिर अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तो 11 अपॉन 23 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करना देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू होगी, इसी को सॉल्व कर लेना है बस 10 इनवर्स, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, अब यहाँ लिखते कितना होगा तो 12 मल्टीप्लाई 23 और प्लस 11 इंटू 11 अपान कितना होगा 11 इंटू 23, फिर यही चीज़ यहाँ करिए 11 इंटू 23 ये हो गया माइनस 12 इंटू 11 अपान कितना होगा 11 इंटू 23 ये क्वेश्चन हो गया, इसको इससे काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई वाला खाली पार्ट बचा तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है मल्टीप्लाई, अगर इसमें से कुछ कामन देखिए नहीं आ रहा है ना, यहाँ से कुछ कामन तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते इसको सॉल्व करते पहले देखिए, तो इसमें से कुछ कट नहीं रहा, चलिए आपके पहले करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 23 में 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 3 जा कितना होगा 12 3 36 6 3 कैरी हो गया और 12 2 24 और 3 27 और उसके बाद 11 11 जा 121 होता है, इसको ऐड करेंगे 7 यहाँ आ जाएगा 9 यहाँ होगा 390 आपका 7 हो गया। उसके बाद जो नीचे वाले में कितना होगा 11 इंटू 23 23 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा 23 मतलब 3 यहाँ और यहाँ पे आ गया कितना 52 और उसमें से क्या करेंगे 12 12 मतलब 2 3 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 3 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 यहाँ पे हो गया 2 यहाँ पे हो गया 1 1 2 1 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से 1 तो यहाँ पे आ गया कितना 1 2 1 आ गया। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि इसमें देखिएगा फॉर्मूला क्या है, आप तो ये फॉर्मूला हमें लग रहा है यहाँ जो वो होता है ना, एक मिनट रुकिएगा, तो देखिएगा कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो आइए हम लोग एक बार मिस्टेक चेक कर ले फटाफट कहाँ मिस्टेक हो रही है कि जो आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कट नहीं रहा, तो देखिए मिस्टेक कहाँ हो सकती है, यही फॉर्मूले में कहीं वैल्यू रखने में, सबसे पहले हम लोग ये रखे देखिए, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना हो गया एलसीएम किया 35, यहाँ पर कितना हो गया 12 और यहाँ पर 35, यहाँ करेंगे कितना होगा 35। अच्छा ये देखिए मिस्टेक यहाँ, तो ये हो जाएगा 35 35 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे 34 आ जाएगा, अगर ये 34 होगा तो 12 अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे 34, यहाँ कितना होगा 12 अपॉन 30, ये सही है 12 अपॉन 34 हो गया, तो यहाँ पे 12 अपॉन कितना होगा 34 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 अपॉन 30 34, ये 12 अपॉन 34 हो गया। इसको आगे हम लोग इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, चलिए ठीक है ना, 12 अपॉन 34 हो गया, तो यही मिस्टेक हो रहा था। देखिए 10 इनवर्स क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 12 मल्टीप्लाई 23 प्लस 11 मल्टीप्लाई 34 अपान 34 मल्टीप्लाई 23 फिर अपान
यहाँ पे 34 मल्टीप्लाई 23 माइनस 12 मल्टीप्लाई 11 अपान 34 मल्टीप्लाई 23, ये इसको और हम लोग को ये काट देना है, ठीक है। इसी वैल्यू को खाली सॉल्व कर लेना है, 12 मल्टीप्लाई 23 प्लस 11 मल्टीप्लाई 34 अपान 34 मल्टीप्लाई 23 और माइनस 12 मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब ये सेम आना चाहिए। अब देखते हैं कितना आता है। देखिए 23 में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 3 36, 3 कैरी हो गया और 12 2 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, 276। और यहाँ पे 34 को मल्टीप्लाई करें 11 जाएगा 4 7 और 3, तो यहाँ पर होगा 3 7 4, इसको ऐड कर दीजिए कितना आ गया 0 आ गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 14 आ गया, 6 हो गया, 640 आ गया, ठीक है ऊपर वाला। अब नीचे वाला देखते हैं क्या है, 34 और मल्टीप्लाई 23 कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 1 हो गया यहाँ पे 10 और यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पे 2 8 7, यही ना। अब इसमें से 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया 231, इसमें से 782 में से 132 सबट्रैक्ट कर देंगे 0 5 और कितना हो जा रहा है 0 5 और 6 650 आ रहा है, कितना रहा है 650 आ रहा है, यहाँ कितना 640 आ रहा है। यही एक जगह देखिए मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ कितना रहा सेम आता तब तो वरना आएगा कट के, फिर से देख लीजिए कितना हो रहा है। तो 23 इंटू 12 और 11 इंटू 34, यहाँ पे 34 इंटू 23 माइनस 11, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 होगा, और इसका करेंगे कितना हो जाएगा 12, ये मल्टीप्लाई कर दिया 12 3 36, हासिल 3 आ गया हमारा, 12 2 24 24 3 27 और यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया 11 इंटू 34 आ गया, इसको ऐड करेंगे 0 0, अच्छा देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 7 7 14 एक कैरी 15 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा देखिए 6 6 0 हो गया, 6 4 10 हो गया यहाँ पे, यहाँ 7 2 14 1 10 एक कैरी वाला कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ 14 1 15, ठीक है। अब देखिए इतना आ गया, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर लिखेंगे लिखेंगे 650 अपान 650, ये इससे कट के कितना 1 आया, तो 1 आने का मतलब क्या हुआ कि टेन इनवर्स ये हमारा आ गया कितना 1 इक्वल टू पाई बाई 4, यही प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लंबा हो गया, आपको इसको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि लंबा है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की समझ ध्यान से नहीं देखने मिस्टेक हो जाता। देखिए क्या करना, सबसे पहले ये क्वेश्चन पहले इन दोनों को एक साथ tan इनवर्स x प्लस y के साथ लेना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan y = tan इनवर्स x + 1 - xy होता है। अब tan इनवर्स 1 अपान x + 1 अपान 7 और 1 इतना हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे LCM लेंगे तो यहाँ 7 12 आ जाएगा, नीचे 35 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके LCM लेना है तो इसका मतलब 7 5 35 में से 1 घटाएंगे 34, 34 अपान 35 आ गया। उसके बाद इसमें करेंगे देखिए 8 3 11 यहाँ हो गया, 8 3 24, यहाँ 24 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 23, यहाँ 24 24 24, यहाँ 35 35 काट दिए, 12 अपान 34 11 अपान 23, इसको काट भी सकते छोटा कर सकते पर हमने क्या डायरेक्ट लगा दे, फिर फॉर्मूला यही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, तो 12 अपान 34 प्लस 11 अपान 23, 1 - 12 अपान 34 मल्टीप्लाई 11 अपान 23 आ गया, और इसको फिर LCM लेंगे, फिर ऐसे 23 का 12 में, 34 का 11 में और 34 इंटू 23 का 1 में फिर सबट्रैक्ट करना, तो यहाँ लिखा अब इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। क्या किया, 23 का 12 मल्टीप्लाई किया तो 276 आ गया, और 34 का 11 किया तो कितना 374 आ गया, दोनों ऐड कर 650 650 650, 650 आ गया। फिर उसके बाद नीचे क्या 34 इंटू 23 मल्टीप्लाई किया 782 आ गया, और 11 का मल्टीप्लाई किया 12 से तो आया 132, 782 में से 132 सप्रेस 650 आ गया, दोनों ऊपर नीचे सेम आ गया, कट गया 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती, तो यही आंसर आ गया। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखिए आसान है, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग हैं
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में आते हैं लेके, ओके। तो आइए जो है देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन है वो ठीक है, स्मॉल जो है सबसे छोटा वाला जो आता है क्वेश्चन उससे बड़ा वाला है। तो देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, तो क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2011 में 14 में और 9 में है, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड के 11 14 और 9 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसको आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट्स, और जो है मैं एक चैप्टर के सभी क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वीडियो में। तो चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट कर रहा है जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपने क्या है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिया और देख लिया तो आपका अच्छा जो है मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन इक्वल पाई बाई 2। ये प्रूफ करके लाना हम लोग को, क्या करने के लाना है कि प्रूव दैट कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स एंड अपान में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, आइए। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो कॉट इनवर्स एक्स ये हो गया, और इसको हम लोग देखिए ये 1 प्लस साइन एक्स है। तो अगर हम लोग देखें तो ये इसको कौन से फॉर्मूले से लिखा जा सकता है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो साइन अगर हम कहें कि एक्स प्लस, और यहाँ कितना होगा साइन एक्स प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अगर इसको होल स्क्वायर ले तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 और प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर इसको हम लिख सकते 1 प्लस ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को साइन 2x लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब अगर हम ये कर दें 1 प्लस इसी को हम यहाँ पे x बाई टू कर दें तो यहाँ पर कितना होगा साइन x आ जाएगा, और साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस साइन x को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या कि साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरे वाले जिसमें माइनस है उसमें क्या लिखेंगे, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ लिख के देखिएगा इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में, अगर यहाँ लिखेंगे यहाँ पर माइनस कर लिखेंगे साइन इसको प्लस का माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस जब कर देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो आइए तो हम लोग को करना क्या है देखिए करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉस को पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो कॉस एक्स बाई टू और यहाँ पर माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया इसका। फिर इसी तरीके से नीचे आ जाइए डिनोमिनेटर में करते हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन को साइन एक्स या तो आप कॉस भी पहले लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस अंडर रूट में कॉस एक्स बाई टू और यहाँ पे माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब इस फार्मूले से यहाँ पे हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, इसका मतलब है अगर अपान 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, पर अगर x बाई 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आगे अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो कॉट इनवर्स और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा,
तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यही ना, देख लिए, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। तो फिर आगे प्लस स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपान, यहाँ से निकालेंगे तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर प्लस क्या करना है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया। तो साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिएगा, कॉट इनवर्स, और ये बच गया हमारा टू कॉस एक्स बाई टू अपन, कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये माइनस की वजह से ये माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान नहीं दी, माइनस यहाँ चेंज हो, माइनस ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा ये साइन न कट के यहाँ क्या कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा कास वाला ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर कास है, नीचे टू साइन एक्स बाई टू आ गया, तो टू से टू कट गया, इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिखेंगे कॉट, ये एक्स बाई टू हो गया। अब ये एक्स बाई टू काट हो गया ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बाई टू आएगा। यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन क्या था हमारा, तो यहाँ पे जो हमने पाई बाई टू लिखा है ना, एक्स बाई टू था, ठीक है, देख लिए ध्यान से। करना क्या है सबसे पहले, तो वन प्लस साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब वन प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, मतलब कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसलिए अब देखिए, और अगर हम लोग क्या करते, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे पहले अगर कास ने लिख के यहाँ साइन पहले लिखते तो कास वाला कट जाता, तो यही चीज़ टैन के लिए बन जाता। जब टैन के लिए बन जाता तो मतलब अगर हमारा इसी क्वेश्चन में पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू अगर प्रूफ करके लाना होता तो हम लोग क्या करते, तो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू लिखते, समझ में आ रहा है, तब यहाँ साइन को पहले कास के बाद में कर देते। पर अगर हमारा पाई बाई खाली एक्स बाई टू लाना है तो इसका मतलब है कि हमें कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू रखना है, नहीं तो हमारा क्या आएगा, पाई माइनस एक्स बाई पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चाहिए करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग आराम से, ओके, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो है ये सभी पेपर में आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कोई रिक्वायरमेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2011 और 14 में आया हुआ है, ठीक है, जैसे ऑल इंडिया में आया होता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी आया है सीबीएसई बोर्ड में, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्रूव दैट टेन इनवर्स वन प्लस साइन, देखिए क्या है, प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडरवुड में वन प्लस एक्स माइनस अंडरवुड में वन माइनस एक्स अपान अंडरवुड में वन प्लस एक्स प्लस अंडरवुड में वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या लाना है, पाई बाई फोर माइनस वन अपान टू कास इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करके लगाना है, क्वेश्चन ये है प्रूफ करके वो लाना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन, उसको लाना, तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर हम इसको कुछ माने तो अभी तो सॉल्व नहीं हो सकता, अगर हम लोग इसको मान लेंगे साइन के फॉर्म में या कास के फॉर्म में तो नहीं आएगा, तो हम लोग इसको पहले रेशनलाइज कर देते हैं। तो टेन इनवर्स रख के रेशनलाइज करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा अब, तो वन प्लस एक्स और माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरा हो जाएगा यहाँ से नीचे तक देख कर स्लाइज इसका देख के करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर वन प्लस एक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस एक्स, यहाँ प्लस है और तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हम लोग को किससे करना रहता है, तो माइनस वाली वैल्यू से, वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, तो इसका मतलब ऊपर भी क्या आएगा, वन प्लस एक्स
माइनस वन माइनस एक्स। अब इसको समझिए अब ध्यान से क्या मैंने बोला। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर रेशलाइज करते जो डिनोमिनेटर है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते साइन चेंज करके, ऊपर क्या इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो न्यूमरेटर में क्या है कोई मतलब, डिनोमिनेटर में क्या अंडर रूट में वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस, इसका मतलब है कि हमको अंडर रूट में एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको लेके इसको ऐसे ही लिख दिया वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स, अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है। और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे रहा और चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो आइए हम लोग इसको अब आगे और सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर वाले में। तो होल स्क्वायर किसका लगेगा, वन प्लस एक्स का होल, वन प्लस ऐसे लिखेंगे अंडर रूट में वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर अपन क्या, अंडर रूट में वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लगेगा अंडर रूट में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा, कैसे यहाँ पे हो गया, ये दोनों सेम है इसलिए इसका होल स्क्वायर होल का हो जाएगा, और यहाँ क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया अंडर रूट में, यहाँ क्या लगेगा अंडर रूट में एक्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे अब क्या हम लोग करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, देखिए जब होल स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट से बाहर आ जाए, इसका होल स्क्वायर ए का करेंगे अंडर रूट से बाहर, इसका कर देंगे तो ये भी अंडर रूट से बाहर। अब यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है ना, और लिखेंगे टू, और ये दोनों एक साथ अंडर रूट में रहेगा वन प्लस एक्स, और इसको हमने एक ही साथ अंडर रूट में लिख दिया वन माइनस एक्स। ये फिर अपान में आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि आराम से करें क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो जगह कम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस वन माइनस एक्स, यही ना। अब यहाँ अच्छा देखिएगा यहाँ माइनस, इसकी वजह से माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, नहीं तो अभी इसी की वजह से क्या हो जाएगा तो गलत हो सकता। देखिए नीचे कहाँ तक जा रहा है, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो नीचे देख लीजिए एक लाइन और लिख सकते हैं ना। तो चलिए आइए देखते हैं, तो यहाँ क्या है टेन इनवर्स, और नेक्स्ट लाइन में क्या होगा हमारा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्स एक्स हो जाएगा हमारा कैंसिल, यहाँ कितना आ गया टू माइनस टू अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा ध्यान से देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लेगा तो यहाँ हो जाएगा वन का स्क्वायर वन एक्स का स्क्वायर एक्स, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ से वन कैंसिल होके टू एक्स हो जाएगा इतना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया, अब करना क्या ध्यान से देखिएगा, अब लिखना है टेन इनवर्स, और यहाँ से ऊपर से मैंने यहाँ से देखे टू कामन करके काटेंगे तो यहाँ टू कट जाएगा, तो अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर बचेगा वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये बच गया इतना, ठीक है। क्या हुआ इतना हमारा क्या हुआ बच गया है, ठीक है। अब हमको करना क्या ध्यान से देखिए, इसको अंडर रूट से बाहर लाना किसी तरीके से और ये टेन आ जाए, और जैसे टेन आएगा तो आंसर आएगा। तो हम लोग जानते हैं अगर हम यक्स को अगर साइन थीटा मान ले, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठोके। तो देखिए अब इसी की वैल्यू रखें तो हम लोग करेंगे क्या टेन इनवर्स, आइए हम लोग आगे मिलजुल के सॉल्व करते हैं। तो देखिए वैल्यू रखते हैं तो यहाँ वन माइनस, यहाँ जब अंडर रूट के रखेंगे अंदर तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज करना है। नेक्स्ट लाइन में टेन इनवर्स, और फिर आगे देखिए यहाँ से वन माइनस, ये वन माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा साइन थीटा। मेनली हम लोग आंसर तक समझिए तो पहुँच गए, तो एक लाइन यहाँ पे और आपको दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ चेक करके वो भी, तो आगे बढ़ते हैं। ओके तो देखिएगा
दिख रहा, ठीक है ना। आइए तो एक लाइन और आगे, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है तो क्या समझना आपको, समझना ये है कि वन माइनस, हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए अगर हम ये लिखें कास टू, ठीक है, कास जो है टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यही ना आप जानते हैं, कास टू थीटा दो फॉर्मूला होता है, टू कास स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस, अगर हम यहाँ से रिप्लेस करें, ध्यान से देखेंगे अगर, तो टू यहाँ से टू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से इसको, ये माइनस है ना, तो माइनस है तो हमारा ये हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे माइनस कास है, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ से साइन वाले को रिप्लेस करेंगे तो टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कास टू थीटा, देखिए आपका यहाँ पे मतलब वन माइनस कास थीटा की जगह हमारा, देखिए वन माइनस कास थीटा जैसा बन गया, अब यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा है, पर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई टू कर देना है, तो आएगा कितना, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान, ये हो गया। और साइन को हम लोग, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को हम लोग क्या मान लेंगे, साइन टू थीटा मान लेंगे, साइन थीटा को अगर हम थीटा को ऐसे टूट के टर्म में लिखे तो टू साइन थीटा बाई टू और इन टू कास थीटा बाई टू इसके टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पे हो गया कितना, टू साइन थीटा बाई टू इन टू कास थीटा बाई टू, ये इतना हो गया, तो टू से टू कट गया, एक स्क्वायर वाला साइन कट गया, तो वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं टेन इनवर्स, ठीक है, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा साइन थीटा बाई टू अपान, ये हो गया हमारा कॉस थीटा बाई टू। फाइनल की तरफ पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन देखिए लंबा है, तो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई कितना होता है, टेन थीटा बाई टू, और यहाँ से कट के निकलेगा तो थीटा बाई टू होगा। थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कहीं से निकाल रखे, ये है हम लोग ये जो माने हैं, ये माना हुआ वैल्यू जो है हमारा, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, यही ना, कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखिए इसको रिप्लेस करना, हमको साइन को रिप्लेस करना किसके टर्म में, क्योंकि आंसर बोला है कास में, ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कितना, कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, कास थीटा, यही ना, तो अगर हमारा यहाँ से बदले तो यहाँ पे आपको ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 अपॉन टू और ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस और ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, इस फार्मूले से ही चेंज होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, पाई बाई फोर और माइनस वन अपॉन टू और यहाँ पर हो जाएगा कास इनवर्स एक्स, ठीक है, कितना हो गया, देखिए वन अपॉन टू पाई बाई टू माइनस का यहाँ पे इसका इनवर्स, यहाँ पे इधर से आ जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा, पर हम लोग का साइन इनवर्स है तो यहाँ भी इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर भी इनवर्स हो जाएगा, तो हमारा साइन है यहाँ तो कास इनवर्स में आ गया, अगर यहाँ कास लेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा, तो इधर वाली वैल्यू तो ये इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ओके, आया समझ में, तो देख लीजिए क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा देखिए कट तो नहीं रहा कहीं से, तब आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो पूरा आ गया ना, तो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करके लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग हो रहा है, देखिएगा फिर से समझ लीजिए एक बार। तब सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देखेंगे आपका है क्वेश्चन ये 2011-14 में आया हुआ है, उसी पर सर याद है बेटा, प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन अपान टू कास इनवर्स एक्स, ये आपका जो है पेपर में आया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ कुछ मानेंगे तो आएगा नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज का रूल यही, डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसी को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर,
तो ये चेंज करेंगे। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला हो गया होल स्क्वायर बना और नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ऊपर वाला होल स्क्वायर बनेगा जब ए स्क्वायर करेंगे अंडर रूट से बाहर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और माइनस टू ए बी और अंडर रूट ग्रुप में रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर पहले तो अंडर रूट से हटेगा क्योंकि स्क्वायर करने का अंडर रूट पे हट जाता है, यहाँ पर हट जाएगा पर साइन चेंज होगा। जब साइन चेंज होगा तो यहाँ क्या होगा वन वन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टू एक्स और इसमें क्या होगा कि एक्स एक्स कट गया यहाँ पर हो जाएगा टू और इस तरीके से लिख देंगे और टू कामन करके काट देंगे तो हमारा ये आंसर होगा। अब यहाँ से मानेंगे क्या वन माइनस अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स, तो एक्स इक्वल साइन एक्स इक्वल टू साइन क्या है थीटा है इक्वल टू यहाँ पे थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू रखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर हम लोग जानते हैं कास आ जाएगा, ऐसे अंडर रूट से कास आ गया अपन साइन। अब वन माइनस कास को हम लोग रिप्लेस करेंगे कास टू थे जो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये हमारा कितना हो गया तो हम लोग को यहाँ से इस वाले वैल्यू से लेना, तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा तो अगर हम यहाँ लाएंगे टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कास टू थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे कितना टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और नीचे वाले साइन थीटा को क्या लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। उसके बाद क्या करेंगे इसको, तो ये कट के बच गया टेन थीटा बाई टू और उसके बाद टेन टेन कटा थीटा बाई टू। अब इसको क्या करेंगे 90 से रिप्लेस कर लेंगे 90 माइनस थीटा से, तो यहाँ पर वन बाई टू पहले इसको साइन इनवर्स लिखे, अब साइन इनवर्स यह लिखेंगे पाई बाई टू माइनस कास में अंडर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर हमारा आ चुका। ओके तो ना बेटा मना ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे जो है तो बेटा आप मुझको खूब डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे हैं ना? तो चलिए आप भी पढ़ाएंगे क्या, आप भी कुछ बताएंगे? तो खेल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप प्लेइंग कर रहे थे तो चलिए फिर भी कुछ आप मुझको बताएंगे आज, ठीक है? क्या बताएंगे, एलिमेंट नेम बता दे फटाफट, तो सबको पता है खेल रहे थे सुन रहे थे कुछ। हाइड्रोजन ऐसे देखो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम अमोनियम सिंकन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन उबान निकल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक ब्रोम क्रिप्टन रुबिडियम स्ट्रोंथियम नेक्टियम जर्कोनियम नेबियम टेक्नीशियम रुथियम प्लैटिनम ज़िरकोनियम इंडियम आयरन जिनान। एरिया ट्रायंगल इक्वल टू वन बाय टू बेस इन टू अल्टीट्यूड। एरिया रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इंक इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू सुनिए फोर्स पे मास इधर से देते हैं इधर सुनिए इंक में सी हाई होता है। अरे वाह इंक में सी हाई होता है, गुड। अब आप बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u equal to u plus 80 s equal to ut plus 580 square v square equal to u square plus 2as। okay area square बता दीजिए एक बार, side square। pressure equal to force upon area। good thank you teacher, आप खेलने जा सकते हैं। जो है हम लोग next question लिए हैं, तो next question देखिए क्या है। next question है CBSE बोर्ड 2011 में आया हुआ है, जो CBSE बोर्ड NCERT का ही क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से है क्या क्वेश्चन। प्रूव दैट 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 2 अपॉन 3। क्या है 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 2 अपॉन 3, ये प्रूफ करके लाना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है? सोल्यूशन देखते हैं क्या है, तो देखिएगा सोल्यूशन हमारा आएगा क्या। देखिए सोल्यूशन क्या आएगा, तो हम लोग सबसे पहले देखिए एक हमारा इतना क्वेश्चन, ये पार्ट लेफ्ट साइड से और राइट लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 बाई 4 को कामन कर लेंगे यहाँ से। कितना करेंगे क्योंकि 9 बाई 4 यहाँ है, 9 बाई 4 यहाँ से कामन कर लेंगे
तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये बच गया हमारे पास, कितना बच गया, तो 9/4 कॉमन हो गया, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3 हमारे पास बच गया, ठीक है। तो 9/4 को ऐसे लिखेंगे, नहीं तो यहीं लिखते चलिए, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 9/4 और यहाँ हो गया पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3। उसके बाद 9/4 हम लोग जानते हैं 1/2 साइन इनवर्स 1/3 को वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो ये समझिए हम लोग जानते हैं क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल होता है आपका साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये नहीं होगा, मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना कॉस इनवर्स 1/3, यही ना आ जाएगा। इसको हम जब ये लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, तो अब ये क्या होगा, इसके इक्वल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इनवर्स इनवर्स लिख देंगे अगर यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू कितना, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/3। तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 आ चुका है, इसी को और हमको अब मानना, तो लेट क्या मान लेंगे ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स 1/3 को हम लोग मानेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1/3 इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल थीटा मानेंगे, तो 1/3 इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। जब ये कॉस थीटा हो जाएगा तो हमको इसी को साइन में लिखना है, क्योंकि आंसर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर इसको साइन थीटा लिखना है तो अंडर रूट के अंदर हम लोग मानते हैं 1 - cos² क्या होता है, थीटा होता है, तो इक्वल टू 1 - cos थीटा का मतलब ये cos की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 का हम कर लेंगे स्क्वायर, इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाए कितना 1 - 1/9, और इसको और सॉल्व कर दिया यहाँ लाके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, या तो आपको यहाँ ना समझ सीरियली यहाँ लीजिए तब यहाँ फिर बाद में जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, फिर आगे ये सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/9, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 8/9, और 8/9 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 √2 कितना हो जाएगा 3 हो गया, और ये किसकी वैल्यू आई साइन थीटा की, तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2 √2 / 3, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी ध्यान से देखिएगा, तो कॉस यहाँ पे इतना आ चुका है वैल्यू कि 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 आ गया। अब इसको हमने थीटा मान लिया और थीटा से हमने साइन की वैल्यू निकाल दी, साइन की वैल्यू कितनी आई, तो आ गई 2 √2/3 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या, थीटा इक्वल टू साइन वर्स 2 √2/3, अब ये वैल्यू ले जा के हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह हमने थीटा माना, इस थीटा की जगह क्या हो जाएगा हमारा, तो ध्यान से देखेंगे तो आपका 2 sin inverse, मतलब ये जो वैल्यू पूरी है यहाँ पे, इस पूरी वैल्यू की वैल्यू हो गई कितना ये, तो हमारी जो वैल्यू होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9/4 cos इनवर्स 1/3 है ना, यहाँ आ गया, फिर आगे इक्वल टू रख के 9/4 और कॉस इनवर्स 1/3 की इक्वल टू थीटा होता है, थीटा की वैल्यू हमारी है साइन इनवर्स 2/2/3, यस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। तो देखिएगा आप ध्यान से, तो आपको देखिएगा समझ आया क्या क्या करना था, तो ठीक है खेल लीजिए आप। तो देखिए है हमारा 9/8 - 9/4 sin inverse 1/3 = 9/4 sin inverse 2 √2/3, ये लाना है सबसे पहले, हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, 9/4 कॉमन कर लेंगे, पाई बाई टू साइन इनवर्स 1/3 और ओके जाइए 9/4 और ये हमारे कितनी वैल्यू हो जाएगी इतनी, तो ये हमारी हो गई कितनी cos inverse 1/3,
कॉस इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, अब 1/3 को कंसीडर थीटा मान लेंगे और यहाँ से क्या होगा, ये कॉस थीटा हो गया और इसको हम साइन थीटा में चेंज करेंगे 1 - cos² कॉस की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 8/9 √2 √2/3 स्क्वायर रूट लेने के बाद आया। अब करना क्या है हमको, यहाँ से थीटा निकाल, थीटा इक्वल साइन वेस 2√2/3 आ गया। अब अगेन क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए है 9/4 कास में 1/3, तो 9/4 कास 1/3 की जो वैल्यू आई हमारी है वो थीटा है और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग डाल दें साइन इनवर्स 2, ये हमारा आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अब क्या है, ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो आप लोग सब क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, कहने की उतना हो, मैं गैप दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/1 करके क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ कि जिससे आपको ईजी और सिंपल सब एक तरफ से लगवा रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप ईजी पहले कर लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस 10 कॉट इनवर्स 18 इक्वल टू कॉट इनवर्स 3, मतलब कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 इक्वल टू कॉट इनवर्स 3 होता है, ये प्रूफ करके लाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए सॉल्यूशन में सबको पहले हम लोग क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में चेंज करना पड़ता है तो जो वैल्यू हो अपान में आ जाती है, तो सभी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अपान में आ जाएगी। अब ये कॉट किस में चेंज हो गया, तो ये हमारा चेंज हो गया किस में, तो टेन में। अब हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है कितना, टेन ए प्लस बी और अपान 1 - tan A × tan B, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है अब हमको, और प्लस में यहाँ पे टेन इनवर्स 1/18 चलेगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 और यहाँ जब 8 का यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 7 = 15 यहाँ आ जाएगा, सेम यहाँ पर ही होगा, यहाँ 8 × 7 = 56 यहाँ आ जाएगा, -1/56, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स 1/18, अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ होगा 8 और ये 7 = 15, मतलब 8 + 7 = 15 हो गया, और नीचे मल्टीप्लाई हो गया 56 हो गया, 8 × 56 = 56 मतलब 56, और यहाँ क्या होगा, 8 × 56 का 1 मल्टीप्लाई होगा, -1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा टेन इनवर्स और ये हो गया हमारा 15/ यहाँ पे 55, यही ना, एक कम होगा 50 से 55, इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना होगा 3/ कितना बचेगा 11 = 2, ठीक है, और प्लस कितना आ गया, तो टेन इनवर्स 1/18 आ गया। तो चलिए अब इसको हम लोग फिर से एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए अब क्या बचा है उसको लेक लगाना है, तो आया क्या, टेन इनवर्स 3/11 ये और प्लस टेन इनवर्स कितना आ गया 11/18, ये ना, एक मिनट, 11 कहाँ से आ गया, ये है टेन इनवर्स 1/18, यहाँ पे लग रहा है इनवर्स को, तो ये 1/18। अब यहाँ फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस बी, मतलब तो यहाँ होगा 3/11 प्लस 1/18, फिर अपान कितना हो जाएगा, तो 1 - 3/11 × 1/18, यही ना। आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, इसका यहाँ इसका है मल्टीप्लाई, 18 × 54 प्लस, देखिए 18 × 3 = 54 और प्लस यहाँ कितना होगा 11 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 और 18, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 = 198 अपान, यहाँ देखिएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 198 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 3 ही आ रहा है तो 195 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ हो गया
195/198 यहाँ आ गया। अब 198 से 198 कट जाएगा तो tan इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए 54 में 11 ऐड कर देंगे यहाँ से, कह गया तो यहाँ 11 और प्लस यहाँ 54, तो ऐड करेंगे तो 5 और ये कितना हो गया 65 हो गया, तो ये हो गया 65 और अपान यहाँ कितना हो गया हमारा 95, ये ना ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब 65 का टेबल पढ़िए कि देखिए हो सकता है कट जाए, या तो 5 से काट दीजिए, छोड़िए 5 से काटेंगे तो कितना होगा, तो 5 1 5 और 5 हमारा कितना होगा 5 3 15, और यहाँ से काटेंगे 5 से तो हमारा हो जाएगा 5 3 15 और उसके बाद कितना बचा 5 9 45, 13 से काटेंगे तो 3 जा जाएगा, मतलब हमारा आया tan इनवर्स 1/3, ये आ गया कितना आया tan इनवर्स 1/3, और हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 1/3 को लिख सकते हैं cot इनवर्स, अब क्या लिखेंगे इसको cot इनवर्स 3, तो देखिए हमारा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आंसर, तो देखिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको थोड़ा सा फॉर्मूला जगह जगह जहाँ लगना है उसको आपको समझना, क्या था सबसे पहले हमारा cot में सा था, उसको हमने tan में चेंज कर दिया क्योंकि cot इनवर्स की जो वैल्यू होती है 1/3 करके क्या होती है tan की, इसीलिए वैल्यू को अपान में सब कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है tan इनवर्स को हम लोग ये जो है इसको 1/8 + 1/8, ये tan इनवर्स a+b/1 - a·b होता है ये लिख दिया, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा वैल्यू, फिर tan इनवर्स यहाँ पे काट दिया 3/11 और इसके बाद ये हमारा इतना बचा हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे फिर से फॉर्मूला लग गया, यहाँ से tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18 हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे आगे, तो अब फिर से tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फिर फॉर्मूला लगा दिया, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में tan यहाँ कितना होगा a+b और यहाँ 1 - a·b हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व किया एलसीएम से हम लेके कट के कितना आ गया 1/10 inverse 1/3, और हमारा आंसर cot इनवर्स में लाना है तो इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, जैसे ऊपर चेंज किए तो वैसे यहाँ से चेंज कर देंगे तो आंसर ओके। चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लेते हैं हम, आप लोग देख स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसलिए क्वेश्चन एक ही हो पाएगा इसलिए बोर्ड पे, क्योंकि क्वेश्चन अब लांग जा रहा है तो एक एक करके बारी बारी से कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए जो है क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या, ध्यान से आप अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्या है tan इनवर्स 3 sin 2α 1 + 3 cos 2α + tan इनवर्स 1/4 tan α, इसको हमें सॉल्व करना है और आंसर लाना, प्रूफ नहीं लिखा है, मतलब सॉल्व करिए जो भी आंसर वही आंसर होगा, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, थोड़ा सा दिक्कत होगी तो ये क्या है थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका मतलब ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के ये 3 मार्क्स के, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आइए हेल्प करिए मेरी सॉल्व करने में, कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो आप लोग ध्यान से देखते हैं फॉर्मूले का पता चलेगा। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है तो इसका मतलब है इसको साइन कास को हमको tan इनवर्स में चेंज करना है, यही तो होता है इनवर्स हो बाहर अंदर जो है सेम वही वैल्यू चाहिए, अगर बाहर अगर tan है तो अंदर tan इनवर्स चाहिए, बाहर अगर tan इनवर्स अंदर tan चाहिए। ठीक है, तो यही होता है, इसका मतलब है हम लोग जानते हैं कि साइन 2α का जो फार्मूला था tan के टर्म में 2 tan α और 1 + tan² α, ये होता है साइन 2θ का, और cos 2α का जो फार्मूला होता है 1 - tan² α और 1 + tan, ये हो गया हमारा tan के फॉर्म में साइन cos का फार्मूला। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है tan² tan इनवर्स और यहाँ लिखा कितना है, तो ज़्यादा रखना है तो बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए, कहाँ रखना है यहाँ पे, तो 3 से कोई मतलब ही नहीं, इंटू यहाँ रखना है 2 tan α / 1 + tan² α, ये हो गया, फिर अपान करिए ये ऊपर वाला हो गया, अब नीचे आ जाइए 5 + 3 से कोई मतलब नहीं है और यहाँ हो जाएगा कितना 1 - tan² α और यहाँ हो जाएगा 1 +
टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए आगे ले लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा, सिक्स टेन अल्फा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये न्यूमिरेटर वाला हो गया, डिनोमिनेटर में इसका वन प्लस टेन स्क्वायर का फाइव में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा। तो फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर अल्फा, यही ना होगा, देखिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तभी ऊपर वाला वन प्लस टेन स्क्वायर कटेगा, इसलिए हमको फाइव मल्टीप्लाई करना होगा। तो फाइव में जब मल्टीप्लाई वन प्लस टेन का करेंगे तो पहले फाइव आएगा, फिर फाइव का टेन में करेंगे फाइव टेन स्क्वायर। अब थ्री का भी अंदर करना पड़ेगा, माइनस कितना हो जाएगा, नहीं प्लस थ्री और माइनस कितना होगा, थ्री टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये टोटल आ गया कितना, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब जाके ये कंप्लीट है, ये नीचे वाला देखिएगा कहीं कट तो नहीं रहा, बस ये देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं हम लोग आगे। तो क्वेश्चन क्या है आगे, इसको हमें और आगे सॉल्व करें। तो देखिए पहले डिनोमिनेटर वाला दोनों का कट जाएगा, वो काट दीजिए। अब क्या है, लिखिए टेन इनवर्स, बचा क्या, सिक्स टेन अल्फा अपान, यहाँ ध्यान सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास कितना है, तो कहीं पे तो स्क्वायर क्यूब हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, थ्री फाइव एट हो गया। फिर उसके बाद देखिए फाइव टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ थ्री है और फाइव में से जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो टू टेन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। अब यहाँ फिर से लेंगे टेन इनवर्स और यहाँ सब में इक्वल आप लगाते चलिएगा, ठीक है ना, सब इक्वल लगा लीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह के हिसाब से नहीं लगा रहे हैं। तो आगे फिर क्या करना है, यहाँ से कॉमन करके, यहाँ से टू कॉमन करके काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा थ्री टेन अल्फा और नीचे से टू कॉमन करेंगे तो कितना होगा, फोर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यही ना, ये हमारी वैल्यू बच गई, कितनी होगी, टेन इनवर्स थ्री टेन अल्फा प्लस फोर टेन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए समझ आ रहा है कि नहीं, तो फिर देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, देख ले यहाँ से तो देखिएगा। तो आगे हम लोग देखे क्या करते हैं, आगे देखिएगा, अभी यहाँ पे ये तो मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को लिख किया, अभी ये पूरा पार्ट बचा। अब यहाँ से इसी पार्ट को क्या करिए, प्लस लिखिए और लिखिए टेन इनवर्स वन अपान फोर और ये टेन अल्फा। अब ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ दिए इसको सॉल्व करने के बाद, अब इसमें आप फार्मूला लगाइए, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपान वन माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, छोटा छोटा लिखना है क्योंकि बहुत लंबा नहीं चला जाएगा, पहले क्या लिखना है, थ्री टेन अल्फा और फोर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया ए, फिर प्लस बी होगा वन अपान फोर टेन अल्फा, ये बी हो गया। ठीक है, फिर अपान करके लिखिए वन माइनस कितना, थ्री टेन अल्फा और अपान में फोर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई वन अपान फोर टेन अल्फा। अब ये हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो, फार्मूले में रख के, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स। अब इसी को मेन सॉल्व करना है, देखिए यहाँ तो हमारे पास क्या, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले टेन ए ये वाला हो गया और बी वाला ये वाला हो गया, फिर उसके बाद वन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अभी कुछ कटने की कोई कंडीशन नहीं, तो आप ध्यान से देखेंगे ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमें पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग करना क्या एलसीएम में, तो करना ये है कि हमें इसका एलसीएम लेना है। तो ध्यान से पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप लोग केयरफुल रहिएगा। तो फोर का इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ट्वेल्व टेन अल्फा क्या होगा, फोर का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस वाले में, ठीक है ना, और प्लस करेंगे और उसके बाद कितना हो जाएगा, इस फोर प्लस टेन स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा कितना, फोर टेन अल्फा और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई होगा टेन में प्लस
टेन क्यूब अल्फा, ठीक है। क्या फिर से देखिए, फोर का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे कितना, फोर से टेन अल्फा, और फोर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का टेन अल्फा हम करेंगे तो हो जाएगा फोर टेन अल्फा, फिर उसके पास कितना हो जाएगा टेन क्यूब अल्फा। फिर अपान नीचे आ जाइए, और ये जो बचा है फोर टेन ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, इसलिए उसको नहीं लिख रहे क्योंकि अभी जगह नहीं। इसको फोर और फोर टेन अल्फा यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे फोर और फोर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वन में होगा, तो फोर का फोर में करेंगे, फोर फोर जो सिक्सटीन, और फोर का जब करेंगे किस में, इसमें, तो फोर टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये इन दोनों का एलसीएम वाला मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, फिर इन दोनों का ऊपर में आपस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना है थ्री टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा ये लाइन कंप्लीट हुआ, नीचे वाला दोनों मैंने कट कर दिया, मान के चलिए काट दिया, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा जगह की दिक्कत आ सकती है तो कोशिश कर रहा हूँ कि इरेज ना करना पड़े, तो चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से क्या करना है, अब यहाँ से इसको बाद में क्या करेंगे, ऊपर वाई कहीं लाइन लेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए ये फोर है, ये भी टेन अल्फा है, ये भी टेन अल्फा है, तो फोर्टी सिक्सटीन आ जाएगा, सिक्सटीन टेन अल्फा प्लस टेन क्यूब अल्फा, फिर अपान आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका ये सब्ट्रैक्ट हो फोर में से, और ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा कितना, फोर में से ये थ्री सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अगर हम लिखे तो इसको सिक्सटीन लिख सकते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या कर लीजिए, टेन इनवर्स में अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर से अगर हम टेन अल्फा कामन कर लें तो 16 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बचेगा, और इसमें हमें कामन करने की जरूरत नहीं, नीचे इसके नीचे ऐसे लिखते हो 16 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये ऊपर से कामन किया टेन अल्फा, तो यहाँ पे 16 और प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बचा क्योंकि क्यूब था, एक कम हो गया क्यूब में से, और यहाँ ऐसे थे, इस दोनों को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास देखिए बचा क्या है, यहाँ पे टेन इनवर्स और यहाँ बच गया टेन अल्फा, तो कुल मिलते मिलाते हमारा अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, कह सकते हैं कि बहुत सिंपल था, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड कोई कुछ नहीं था, बस आपको फार्मूला जगह जगह लगाना। अब यहीं में से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग अगर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट किए, वो आपको ये लगने लगा कि अब हमारा क्वेश्चन गलत होगा, तो ये 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव हमेशा क्वेश्चन आप लगाइए, और आप अपने माइंड में ये सेटअप किए कि हमको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, कभी ये सोच के मत लिखिएगा आपको आंसर नहीं, तो बी पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव होकर लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से, एक बार और देख लेते हैं फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्वेश्चन है टेन इनवर्स थ्री साइन टू अल्फा फाइव अपान फाइव प्लस थ्री कॉस टू अल्फा, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स वन अपान फोर टेन अल्फा, ये हमारा दिया, सिंप्लीफाई या सॉल्व करके लाना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं इस टेन के अंदर साइन और कास है, और हम लोग जानते हैं साइन टू थीटा और कास टू थीटा का टेन के टर्म में फार्मूला होता है, तो साइन टू अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, कास टू अल्फा इक्वल वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू हमने यहाँ साइन की रख दी, यहाँ कास का। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है तो कुछ करना ही, मल्टीप्लाई थ्री टू या सिक्स लिख दिए, और यहाँ पे भाई प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फाइव में इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर, और प्लस थ्री का अंदर करेंगे तो थ्री और माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा, और दोनों के डिनोमिनेटर वाला ये कट के हट जाता है, हर बार कट गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब इतना बचा, इसमें से टू कॉमन करके काट देंगे तो यहाँ थ्री टेन अल्फा, और यहाँ से क्या टू कॉमन करेंगे तो फोर प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये बच गया। और अब ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट ये वाला अब यहाँ से जोड़ लीजिए, अब फिर से टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला होता है टेन इनवर्स ए, फार्मूला नहीं याद है तो एक बार लिखते हैं, अगर ऊपर दिखता है, देखिए फार्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी
अपान वन माइनस ए बी, यही हमारा फार्मूला लग जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला जब लग गया तो इस बड़े वाले पे लगा देना है। तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ वन माइनस ए बी हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से एलसीएम लेना, यहाँ भी एलसीएम लेना। इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ फोर और फोर प्लस टेन स्क्वायर दोनों एक साथ एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर प्लस टेन स्क्वायर का टेन अल्फा मल्टीप्लाई होगा और फोर का थ्री टेन अल्फा मल्टीप्लाई होकर इतना आ गया। और नीचे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वन में कर दिया सिक्सटी, और ये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया। अब नीचे वाला दोनों काट दिए, लिखा नहीं मैंने। ठीक है, फिर आगे क्या किया, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ देखिए टेन यहाँ, टेन यहाँ, फोर ट्वेल्व और प्लस फोर मिलकर सिक्सटीन हो गया, टेन क्यूब अल्फा हो गया। यहाँ पे देखिए फोर में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया तो टेन स्क्वायर, तो सिक्सटीन प्लस। अब यहाँ से ऊपर देखिए, आप ध्यान से देखिए तो आपका टेन अल्फा कॉमन है और नीचे सेम है, कट गया, बचा टेन अल्फा, टेन इनवर्स टेन अल्फा, अल्फा आ गया आंसर। तो आप लोग ध्यान से देख लिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, कठिन नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए, अच्छी बात है। तो स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, ठीक है ना, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 2000 आपका 12 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 63 अपॉन 65, क्या है, साइन इनवर्स 63 अपॉन 65 इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, प्रूफ करना है। अब देखिए इसको ये करना है, तो हम लोग जानते हैं राइट से लेफ्ट या लेफ्ट राइट किसी तरीके से कर सकते हैं, तो हम लोग का वो सोल्यूशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें राइट साइड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, राइट हैंड साइड ले लिया, आरएचएस इक्वल कितना होगा, साइन इनवर्स 5/13 और उसके बाद प्लस यहाँ कितना होगा, कॉस इनवर्स 3/5, इतना तो हमने क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या है, इतना आसान से ये आने वाला नहीं, इसको सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करना पड़ेगा, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को यहाँ पे अल्फा मान लें। ठीक है, अल्फा क्या, ये मान लीजिए, अल्फा अल्फा छोड़िए, ए मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5/13 इक्वल हो जाएगा साइन ए आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उसके बाद हमको करना क्या है कि अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तो ये सबसे पहले 5/13 क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब कॉस ए भी निकालना पड़ेगा, तो कॉस ए इक्वल हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1 माइनस 25 अपान कितना होगा, स्क्वायर कर दिया 169, और यहाँ मल्टीप्लाई 169 का जब मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 25 लिखेंगे अपान 169 होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 144 आ रहा है क्या, यहाँ पे 9 में से 4 और 1 अपान ये 13, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यही लिख दे रहे हैं, ये कितना होगा, तो 12/13 हो गया। ठीक है, मतलब कास ए की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी, 12/13 दिख रहा है कि नहीं, नीचे देख लीजिए 12/13 दिख रहा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, ऐसे ही हमको क्या करना, दूसरा वाला लेना है, ये तो साइन का हो गया, चलिए कॉस का लीजिए, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी मान लीजिए, तो 3/5 इक्वल कितना होगा, कॉस बी हो जाएगा। फिर साइन बी निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/25 और ये हो जाएगा कितना, 16/25, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/5, ये साइन किसकी वैल्यू आ गई, बी की आ गई। अब हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो साइन क्या लाना है हम लोग को, साइन लाना है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू देखते जाइए, साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए, तो 5/13 कितना हो गई, 13, कास बी की वैल्यू देखिए कितनी है, तो 3/5, फिर प्लस कास ए की वैल्यू देखिए कितनी है, तो 12/13,
13, फिर प्लस साइन बी की वैल्यू देखिए कितनी है, तो 4/5 मल्टीप्लाई साइन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना 5 से 5 कट जाएगा, और 5 से 5 कट गया, 3/5 कितना होगा 13, प्लस यहाँ क्या कट रहा है, तो यहाँ पे हमारा इससे कटेगा ये वाला, तो 3 से कटेगा, 3/5 या 15, और 3/4 कितना हो गया 12, तो 16/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो गया कितना एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना 65 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 65। और अब 65 में अगर हम क्या करेंगे, 13 डिवाइड करेंगे कितना होगा 5 जा, और 5 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे 65 वैसे ही रहेगा, तो अब इसको ऐड कर लेंगे कितना होगा, तो ये हो गया हमारा कितना, देखिए कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 63 आना चाहिए ना, तो आपका हो जाएगा कितना, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कटा तो कितना आ गया, ये कटा तो 1 इतना, और यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया, और यहाँ पर कितना होगा 65 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ गया, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो मल्टीप्लाई करना है कितने से एलसीएम लेना है, तो 65, और ये हो गया, आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, देखिए तब जो है आगे चेक कर लेते क्या है, आप लोग देख लीजिए एक मिनट वेट करके, आप लोग क्या आ रहा है उसको आप तो देखिएगा, आया समझ में कहाँ पे है, देखिए क्योंकि हम लोग को लाना है 63, तो 63 में कहाँ मिस्टेक हो रही है चेक करिए, तो देखिए पहले वैल्यू मिला लीजिए, 5/3 कितने हो गए, साइन ए की वैल्यू है जो यहाँ 5/3 है, और कास बी की वैल्यू कितनी है, तो ये हमारी हो गई 3/5 ये रही, प्लस कास ए की वैल्यू कितनी है 12/13 वाली ये रही, और साइन बी की वैल्यू अच्छा ये रही 4/5, मैंने 4/15 लिख दिया था इसलिए ऐसा हो रहा था, ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं, हम लोग काटेंगे नहीं, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि नीचे अपने आप ही एलसीएम 65 आ जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 15/65, फिर प्लस कितना होगा, यहाँ नहीं काटेंगे कितना होगा 48/65, फिर इक्वल टू काटेंगे से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे हमारा डिनोमेटर जब सेम है ऊपर वाला ऐड कर दिए, कितना हो गया 48/2 50/53/5 हो गया, और यहाँ पे 63/5 ये इतना, कितने के आगे वैल्यू साइन ए प्लस बी की आ गई, तो अगर हम लोग ए प्लस बी अगर खाली लिखें तो यहाँ पे साइन इनवर्स 63/65 आ गई, तो जो कि हमारा ये आंसर है, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू देखिए साइन इनवर्स 5/3 आगे, इसको और आगे लिखेंगे तो ए की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा कास इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 63/65। तो आप लोग देखें कि आपका आंसर आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, करना क्या था भाई, वो रखने में उतना हो जाता, आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को राइट हैंड साइड लेना, राइट में ए मान लेना है, इसको इसको बी मान लेना है, फिर इसको क्या करना है, फिर उसी का साइन है तो कास निकाल लीजिए, और कास है तो साइन निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे साइन ए प्लस बी फॉर्मूले में रखेंगे, पूरी वैल्यू रखेंगे, खुद ही कट के आ जाएगा, फिर यहाँ से ये हटाएंगे तो इधर इन्वर्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इन्वर्स वाली रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले फटाफट, और आप लोग को कोई रिक्वायरमेंट हो अगर न समझ में आता हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी कमेंट को जो है पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, बता दीजिए ढेर सारे लोग को, आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर देंगे उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं और अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो और डालता रहूँगा जिससे आपको इंटरेस्ट आए देखने में, ओके। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, आप लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कितना कि कितना क्वेश्चन देखिए 2014 में 2 tan inverse 1/5 प्लस sec inverse 5/2 2/7 प्लस कितना हो जाएगा 2 tan inverse 1/8 और प्रूफ करके लाना है इतना। तो ध्यान से देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, ये वाला एक साथ ले लेते, इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हमारा हो गया कितना, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 कॉमन कर लेते हैं, चलिए tan inverse 1/5
और उसके बाद जो है प्लस, इसमें क्या होगा टेन इनवर्स वन अपान एट, मतलब ये और ये दोनों हमने क्या किया टू कॉमन कर लिया तो ये एक साथ आ गया, प्लस सेक इनवर्स अपान सेवन, टू टेन इनवर्स वन अपान फाइव प्लस टेन इनवर्स वन अपान एट, और ये हमारा यहाँ वाला ऐसे लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, टू इसका फॉर्मूला पहले से पता है टेन इनवर्स, और इसको हम लिखेंगे वन अपान फाइव प्लस वन अपान एट अपान वन माइनस वन अपान फाइव वन अपान एट, ये हो गया पहला। फिर प्लस, ध्यान से देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या है इरेज कर देंगे बाद में, चलिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा कितना टेन इनवर्स, और इसको हम लिख दें एक्स स्क्वायर, मतलब फाइव अंडर टू अपान सेवन का स्क्वायर माइनस वन, यही ना, ये सॉल्व हो जाएगा। और आगे बढ़िए, तो टू टेन इनवर्स इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना होगा, देखिए एट का वन में फाइव का वन मल्टी आठ पाँच तेरह थर्टीन अपान यहाँ आठ पच्चीस चालीस फोर्टी, फिर अपान यहाँ यहाँ पर होगा एट फाइव जब फोर्टी, फोर्टी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्टी, एक मिनट, फोर्टी यहाँ हो जाएगा, फोर्टी में से वन थर्टी नाइन यहाँ हो गया, अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी आ जाएगा, ठीक है। फोर्टी से फोर्टी यहीं काट दिए और थर्टीन से ये थर्टी नाइन काट देंगे तो आपका आएगा थ्री बच जाएगा, ठीक है। प्लस आगे क्योंकि लंबा होगा तो हम लोग यहीं काट लेते हैं, टेन इनवर्स इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप यहाँ कितना होगा, यहाँ अंडर टू का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा और यहाँ फाइव का ट्वेंटी फाइव, इसका मतलब पचास, यहाँ पे सेवन का फोर्टी नाइन आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो टू टेन इनवर्स ये वाली वैल्यू सॉल्व होकर वन अपान थ्री आ चुकी है, और प्लस ध्यान से अगर देखेंगे तो ये भी आ ही चुका है, कैसे यहाँ पे 40 50 अपन 40 49 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 50 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अपन 7 अंडर रूट से बाहर होके ये भी हो गया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स a tan इनवर्स यहाँ a प्लस b अपन 1 माइनस a इंटू b हो गया, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हो गया 13 अपन 40, यहाँ 13 में 40 40 40 काट के 13 थ्री जा होता है 39, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ क्या होगा 22 5 का स्क्वायर 25 और अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा 25 2 जा 50 और 7 का 14 एलसीएम लेंगे तो कितना 1 अपन 14 एलसीएम से बाहर आएंगे अंडर से बाहर लाएंगे तो 1 अपन 7 आएगा। अब आगे इस पर पहले इसको सॉल्व करना है तो इस पर फिर से फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो ध्यान से देखेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स टू इंटू वन अपन थ्री और यहाँ कितना हो जाएगा ये कितना होता है टू टेन इसका होता है तो टू टू एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर पहले टू एक्स हो गया ये यहाँ पे हमारा टू एक्स कितना होगा टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब वन प्लस कितना होगा वन अपान थ्री का स्क्वायर तो प्लस इसको ऐसे लिख दीजिए टेन इनवर्स वन अपान सेवन ठीक है ना तो देख लीजिए आप कहीं कट तो नहीं रहा नीचे बस यही देख लीजिए फिर आगे बढ़ लेते हैं तो आपको ठीक है दिख तो रहा है एकदम कोई दिक्कत तो देखिएगा तो यहाँ टू यहाँ से देखिए वहाँ मिस्टेक हो रही है क्या टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ये होता ना तो यहाँ पे हमारा ये माइनस कर दिया आगे बढ़िए इक्वल टू टेन इनवर्स ठीक है इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ टू अपान थ्री आ जाएगा और यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका थ्री थ्री या नाइन और वन से मल्टीप्लाई एट यहाँ पे नाइन माइनस वन एट अपान नाइन एट अपान नाइन ठीक है और प्लस कितना है हमारा टेन इनवर्स वन अपान सेवन ये रहा इसको थोड़ा और सॉल्व किए देखिए ध्यान से देखेंगे इससे ये कटेगा तो थोड़ा सा डाउट है इसलिए मतलब
आपको डाउट होगा इसमें काटने पे, 2/3 × 9/8 ऐसे लिख रहा हूँ कि आपका डाउट न रह जाए कुछ भी, और 1/7 ठीक है। 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा, तो आया कितना 10 inverse 3/4 और प्लस 10 inverse 1/7 देखिए इतना तो आ गया आपका ठीक है। अब आगे सॉल्व करना क्या था इसमें, ध्यान से देखिए कैसे था। सबसे पहले तो हमारा था कि यहाँ पे आपको सॉल्व किए तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ 2/3 आ गई और यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ 3 × 9 हो गया, 1 × 9 − 1 8 होगा, 9 हो जाएगा। अब क्या होगा, 9 ऊपर चला गया, 3 नीचे हो गया और इससे काटेंगे 3 आ गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। आगे सॉल्व किया, अब फिर से फॉर्मूला लगाए 10a + b का, फिर से लगेगा 10 inverse और यहाँ हो जाएगा हमारा 3/4 + 1/7, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 − 3/4 × 1/7 दिख रहा है ना, इक्वल टू 10 inverse इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 × 21 और प्लस हो जाएगा कितना, देखिए 7 × 21 मतलब 7 × 21 प्लस कितना हो जाएगा 4/ कितना हो गया 28 नीचे हो जाएगा 28 फिर 5 देखिए 7 × 21 और 4 यहाँ पे 21 × 4 वैसे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, नीचे इसका मल्टी 28 में 3 घटा दीजिए, 28 में से 3 घटाएंगे 25 आ गया और यहाँ पे कितना 28, इसका मतलब क्या हुआ ऊपर 25 नीचे 25 कुल कट गया, जब कट गया तो बचेगा 10 inverse कुल कट के 1 बच गया और इसकी वैल्यू 10 inverse को जाएगी π/4। इतने के बाद देखिए आपका आंसर आया, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए π/4। तो क्वेश्चन अब क्या होगा, ये 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन जा रहे हैं, जो 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वो ये सब है ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देख लिए क्वेश्चन जो है आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार कहिए तो आपको और समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है हमारा ये क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन करके एक साथ ले लीजिए, इसको बगल कर दीजिए, फिर इसमें फार्मूला लग जाएगा 10 inverse a + b और 1 − a × b, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सब काटते कटाते कितना 1/3 आ गया। और ये वाले में क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, sec inverse x = tan√x2 − 1 होता है, इसके हिसाब से जब इसको रखेंगे तो इसका स्क्वायर 25, यहाँ पर 2 = 50 और नीचे 7 = 49, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/7 आएगा। और इसको जब सॉल्व किए तो अब यहाँ पे हो गया, फिर से इसका फार्मूला लगा दिया 10a + b का दोबारा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले इसका लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 tan x है, तो 2 tan x का कितना 2 tan x का होता है, tan कितना हो जाता है, देखिए tan 2x tan inverse 2x 1 − x2, इसका वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कितना हो गया तो 3/4। अब इसके साथ फिर से एक बार वही लेंगे तो कटते कटते π/4 आ गया आंसर ओके। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से क्वेश्चन लगाइए, आप साथ साथ लगाएंगे तो आपको सब सॉल्व हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने लगभग जो है 40-50 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं आता, जब तक जितना क्वेश्चन दिया मैं नहीं करा लेता हूँ तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 inverse 2x + 10 inverse 3x = π/4 ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर लाना ठीक है, इस बार आंसर लाना x की वैल्यू, तो 10 inverse 2x + 10 inverse 3x = π/4 ये हम लोग का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इसलिए इसको अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रट गया होगा, आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे करना हम लोग को, हम लोग जानते हैं 10 inverse x + 10 inverse y का जो फार्मूला होता है वो होता है 10 inverse x + y / 1 − xy, यही फार्मूला इसमें लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा
टेन इनवर्स 2x प्लस 3y नहीं 3x अपान यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 3x फिर इक्वल टू यहाँ लिखेंगे कितना है ये पाई बाई 4। अब इस टेन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 4 की तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा 5x अपान यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इनवर्स हटा के यहाँ लिख देंगे टेन पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 4 हम जानते हैं 1 होता तो यहाँ हो गया 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, देखिए यहाँ कितना होगा 3 टू 5 हो गया और 3 टू जो 6x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको इधर लिखेंगे तब देखिएगा क्या होगा 6x स्क्वायर ये वाला हमारा माइनस इधर आ गया और प्लस हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ चुका है, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग 6 को अगर ब्रेक कर लें किस में 2 प्लस 3 में तो हो जाएगा तो 6x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे यहाँ पे कितना तो 2x और प्लस यहाँ होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, अब इसमें से कॉमन कर लें हमने क्या कॉमन कर लेना है 2 कॉमन कर लेना है और x तो हमारा बचेगा 3x और प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन कर लेना है 1 कॉमन कर लेना है तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना एक यहाँ पे होगा 2x यहाँ एक साथ ऐसे लिख लीजिए 3x प्लस 1 और यहाँ पे होगा 2x प्लस 1 अब इक्वल टू 0 तो x की जो वैल्यू आएगी 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए कहाँ क्या कहीं मिस्टेक हुआ क्या 3 टू 5 और फार्मूला हमारा हो गया 2x प्लस 3x है तो 2 यहाँ हो गया और यहाँ 3 5 हो गया ऊपर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस इसका हमने मल्टीप्लाई कर 6x स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आपने देखा कि इसको उधर लेगा। देखिए यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है 1 जो है हमने क्या कर दिया माइनस प्लस में था तो हमारा माइनस 1 जाएगा तो ये भी माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 1। इस माइनस 1 की वजह से हमारा जो फैक्टर देखिए यहाँ एक मिनट तो यहाँ से देखिए गड़बड़ हो गया ना तो यहाँ क्या होगा ये माइनस 1 की जगह प्लस 5 नहीं आएगा सब्ट्रैक्शन होगा और सब्ट्रैक्ट करके हम लोग 5 ला सकते हैं 6 को 6x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0 अब आ जाएगा 6 1 जा 6 और यहाँ करेंगे 5 आ जाएगा उल्टा वही होगा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 यहाँ से 6 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 आ गया और माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0 यही ना तो उसके बाद हमारा होगा यहाँ से 6 कामन है ना तो हो जाएगा 6 और x कामन 6x माइनस 1 यहाँ पे और x प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पे तो 6 यहाँ से लिखते हैं चलिए तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 6x इक्वल टू 1 x इक्वल कितना 1 अपान 6 पहली वैल्यू ये है दूसरी x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1 तो माइनस 1 वाला हमको छोड़ देना और लेना कौन सा वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपान 6 आ जाएगी। ठीक है ना, तो देख लिए हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक ये है कि अगर हम ये 6x स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा तो 1 को भी ले जाएंगे हमारा प्लस माइनस हो जाएगा प्लस से तो यही चीज़ मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया था तो माइनस नहीं प्लस ही लिखा था जिसकी वजह से ये फैक्टर में उल्टा हो गया था क्योंकि यहाँ 2 प्लस 3 तब लिखना होगा और यहाँ माइनस आते ही 6 माइनस 1 लिखना होगा सब्ट्रैक्ट करने पर 5।
आना चाहिए, अगर प्लस होता तो प्लस करने फाइव, इसीलिए जो है फैक्टराइज भी आसानी से हो गया, पता ही नहीं चला। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख ले सकते हैं क्वेश्चन क्या है, और आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जो 2013 में आया हुआ है, और एनसीईआरटी और सीबीएसई में आया हुआ है। क्वेश्चन है वाई कॉट इनवर्स, यहाँ पे अंडरवुड में कॉस एक्स माइनस कॉट इनवर्स अंडरवुड में क्या है कॉस एक्स, कितना है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडरवुड में कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडरवुड में कॉस एक्स, देन प्रूव दैट साइन y इक्वल टू टेन इनवर्स x अपान y, ये प्रूफ करके लाना है इस बार, ठीक है, पहले से दे रखा। तो देखिए हम लोग पहले फार्मूला अगर बात करते हैं, मिरेज कर देंगे अभी कोई फार्मूला, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग का और होगा जो इसमें लग जाएगा, वो कौन सा होगा, टू tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा ध्यान से देखिए फॉर्मूला कौन कौन सा आप लोग जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cos में पाई बाई टू, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इन cos इनवर्स x इक्वल पाई बाई टू, टू tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग देखिए सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, इस cot को चेंज करेंगे किस में tan में, तो यहाँ से cot इनवर्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टेन, ये फर्स्ट फार्मूला लग जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट में cos x, ये हो गया, इस cot को हमने बदल दिया और माइनस हमारा टेन इनवर्स अंडर रूट में cos x वैसे ही है जैसे है, मतलब ये हमारा इसको बदला, ये चेंज वैसे ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स अंडर रूट में कॉस एक्स। अब इस पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे ये वाला थर्ड वाला, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा होगा y इज इक्वल टू, तो यहाँ पाई बाई टू से कोई मतलब नहीं है, तो रहेगा ही माइनस, इसकी जगह लिखेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स, और ये हो जाएगा यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसकी जगह क्या है तो ये वन माइनस cos यहाँ हो जाएगा, और वन प्लस cos मतलब अंडर रूट में है, अगर cos उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आएगा, यहाँ अंडर रूट से बाहर आ गया। तो आगे y इज इक्वल हो गया कितना, पाई बाई टू माइनस यहाँ से हो जाएगा ये cos है ना। अब देखिए इस cos को हमको क्या कर लेना है, पहले साइन में चेंज कर लेना है, ठीक है ना, किस में चेंज साइन चेंज करना है। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले में आ जाइए फिर से, cos इनवर्स इज इक्वल पाई बाई टू साइन हो गया, तो यहाँ से हमारा अगर लिखेंगे तो ऐसे आएगा पाई बाई टू, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, वन माइनस कॉस एक्स अपान वन प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारी वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ओपन किया तो ये हो गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, और प्लस ये हो गया साइन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स, और यहाँ हो गया वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल होके तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स
वन माइनस कॉस एक्स और यहाँ से होगा वन प्लस कॉस एक्स। इस साइन इनवर्स किधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, साइन वाई इज इक्वल टू, और इसको चेंज कर लिए, वन माइनस कॉस वन प्लस साइन क्या होता है इसी को आपको बदलना है, ठीक है। वन माइनस साइन वन प्लस कॉस ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बदलेंगे, अगर मान लीजिए तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कॉस जो है 2x का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक होता है नीचे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यही ना। अगर हम लोग क्या करते हैं इसको, कौन सा माइनस वाला है, इसको इधर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ वाला है तो यहाँ से हमारी वैल्यू, इसको इधर लाएंगे यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को प्लस वन कर देंगे तो नीचे वाला हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाले के लिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और अगर साइन के लिए करेंगे तो देख रहे हैं साइन के लिए हमारा कितना हो जाएगा, इधर के लिए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये फार्मूला दोनों में लग गया, ये 2 से 2 काट देंगे अगर तो हमारे देखिए टेन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल टू यहाँ होगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यही प्रूफ करके आपको लाना था, देखिए ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से पहले 1 माइनस कास को हम लोग यहाँ से बदलेंगे, 1 माइनस कास का मतलब यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ से अगर लेंगे तो ये हमारा हो गया कितना, 1 माइनस कास 2 एक्स की जगह x खाली लिखे, और यही 2 कॉस स्क्वायर अगर एक्स बाई टू लिखना है तो 1 प्लस कास क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो नीचे वाले में प्लस वाला हो गया, प्लस वाले के लिए कास वाला हो गया, और माइनस वाले के लिए साइन हो, कट गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। करना क्या था, सबसे पहले देखिए पहले वाले को बदलना था किससे, 90 से पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स से, उसके बाद ये ऐड हो गया, उसके बाद इसमें ये थर्ड फार्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लग गया, और हम लोग यहाँ सीधे पहुँच गए, ठीक है। फिर पाई से पाई अपने बाप पाई बाई टू पाई बाई कट गया, ये बचा। इसके बाद हम लोग को फिर इसको बदल लेना है किस में, तो ये बदल लिए हम लोग, कॉस को साइन में बदल लिए हैं, अब ये बचा क्या, इस साइन को इधर ले चले गए तो साइन वाई हो गया, इसको जो है इस वाले फॉर्मूले चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आराम से। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन जो है हम लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए अब हम लोग बहुत से सारे क्वेश्चन लगा लिए, हर टाइप क्वेश्चन लगा लिए, तो अभी इस बार कौन सा टाइप का देखिए, तो क्वेश्चन ये 2008 और 2010 में आया हुआ है, और किसमें, CBSE बोर्ड NCERT का है ये। प्रूव दैट टेन पाई बाई फोर क्या है, प्रूव दैट टेन पाई बाई फोर प्लस वन अपॉइंट टू कास इनवर्स ए बाई बी प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस वन अपॉइंट टू कास इनवर्स ए बाई बी इक्वल टू, ये लाना 2b अपन a प्रूफ करके इस क्वेश्चन को लाना है, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, 2ab लाना है। तो क्वेश्चन इस टाइप का है, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिमाग क्या लगाना है, अगर ये पाई बाई टू है तो 45 है, और 45 अगर ये x हो जाता तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेते। तो हम लोग को करना यही है, फार्मूला लगाना है tan पाई बाई फोर प्लस एक्स का और माइनस का फार्मूला। टेन पाई बाई फोर एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो आप जानते हैं टेन वन और प्लस टेन, मतलब यहाँ हो जाएगा पाई बाई फोर लिख दे रहे हैं, और प्लस टेन कितना होगा एक्स, और यहाँ हो जाएगा वन माइनस पाई बाई फोर का मतलब वन हो जाएगा, अगर हम डायरेक्टली करें, चलिए यहाँ भी करते हैं, टेन पाई बाई फोर का मतलब वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही दूसरा भी हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखते हैं, और तो हमने फार्मूला लिख दिया इसका कि ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले हम चलिए मान लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले x इक्वल टू हम मानेंगे 1/2 कॉस इनवर्स a बाई टू, लेट कर लिया, क्या हमने लेट कर लिया कि
एक्स को हमने मान लिया 1/2 cos इनवर्स ए बाई टू, तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा टेन और बन जाएगा पाई बाई फोर प्लस क्या बन जाएगा, तो ये एक्स बन गया और उधर वाला बन जाएगा प्लस टेन और यहाँ हो गया पाई बाई फोर माइनस कितना हो गया ये, तो एक्स बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे टेन और यहाँ हो गया टेन, देखिए पाई बाई फोर का वन हो जाएगा प्लस टेन एक्स हो जाएगा, फिर अपान वन माइनस टेन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, वन माइनस टेन एक्स हो जाएगा और वन प्लस कितना हो जाएगा, टेन एक्स होगा। थोड़ा शॉर्ट में लगा रहे क्योंकि जो है यहाँ पे जगह कम ना पड़े इसलिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस ये हो गया हमारा टेन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस इसका करेंगे तो वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपान में जो फार्मूला लगेगा वो होगा वन माइनस टेन स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी स्क्वायर नीचे लग गया। अब ऊपर वाले का होल स्क्वायर करिए आराम से, ठीक है, एक लाइन यहाँ और कर दीजिए नहीं तो कम जगह हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और एक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ प्लस का लगा दिया माइनस का लगाएंगे, अगर लगाते तो यहीं खाली लास्ट में चेंजिंग आती है और अपान वाला तो वैसे ही चलेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसमें ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आया कितना, देखिए यहाँ से हो जाएगा वन वन टू और ये टू हो जाएगा, तो टू अगर हम कॉमन कर लेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है, वन वन टू हो गया और टेन स्क्वायर भी टू टेन स्क्वायर होगा तो टू को बाहर कर दिया और यहाँ होगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अगर इसको आप ध्यान से अगर देखें तो ये हमारा देखिए कॉस कॉस एक्स का जो फार्मूला बनता है, ठीक है, कितने का कॉस टू एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है कितना, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन वन प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है ना, ये फार्मूला देखिए कास 2x का फार्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें तो 2 अपान और यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा और ये अपान में कास आएगा क्योंकि उल्टा है, तो कास यहाँ लिखेंगे कितना, अरे ये क्या हो गया हमारा, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे कॉस, ठीक है, कॉस उसके बाद कॉस इनवर्स हो गया, ये कास 2x का फार्मूला होता है तो कास 2x हो गया और यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा x हो गया, यही ना। तो इसको अगर हम आगे चेंज करेंगे तो 2 अपान, देखिए ध्यान से, ये हमारा इसकी जगह पूरा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई हमारी, क्योंकि कास 2x इक्वल इतना होता तो 2x हो गया। अब क्या लिखेंगे, कास 2 और x की वैल्यू अब लाके ये वाली रख देंगे तो 1 बाई टू और ये हो गया कॉस इनवर्स ए बाई बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आगे 2 अपान क्या बचा, कॉस, यहाँ हो गया कॉस इनवर्स ए अपान बी। ध्यान से देखिए कॉस कॉस कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 अपान कॉस इनवर्स यहाँ कॉस है तो यहाँ हो जाएगा ए अपान बी, तो आगे नेक्स्ट लाइन बी ऊपर चला गया तो 2 बी अपान ए, तब जाके इसका हमें आंसर मिल गया। देखिए क्वेश्चन बड़ा था पर देखिए कितना आसानी तरीके से कैसे फार्मूला कहाँ कहाँ लगा यही समझना आता है। अगर ये समझ में आ जाता है फार्मूला किस जगह लगे और प्लस देखिए आपको फार्मूला याद होने, अगर आपको फार्मूले नहीं याद हो रहे तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसके सामने वाली दीवार पे अभी सभी फार्मूले अभी से आप लिख लीजिए, ठीक है, और उसका जैसे एप्लीकेशन आएगा वो बार बार आपके माइंड में रिमाइंड करते रहेगा, जिसकी वजह से आपको फार्मूले सब याद हो जाएंगे और नो डाउट आप फटाफट क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने हैं, आपको उन्हीं फार्मूले को स्टडी वाले वॉल पे लगाइए सामने वाले पे, और आप जहाँ पढ़ेंगे या जहाँ आपको सुटेबल हो, जहाँ आपको दिख जाए बैठे बैठे वहाँ लगाइए और आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप फट से फार्मूला देख लिया करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको ऐसा कोई फार्मूला नहीं होगा जिससे आपको याद ना हो, तो आप सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बिना फार्मूले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ फार्मूले पे ही चलता है। तो देखिए सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में एक्स इक्वल वन
कॉस इनवर्स ए अपान बी, इसी को एक्स मान लेना है और रख के टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स मतलब टेन फोर्टी फाइव प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा देना है, एलसीएम लेना है क्रॉस करके, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर लगाना, जो कट गया जो बच गया ऐसे लिखेंगे, और ये होता है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला। अगर यही नहीं पता होता तो सॉल्व भी नहीं होता। तो कॉस टू एक्स का यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर था, पर ये उल्टा लिखा इसलिए कॉस नीचे आ गया, और फिर एक्स की वैल्यू वहाँ से रख दिए तो ये कट गया, सीधा सीधा कट के ये आ गया, तो हम देखिए आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप लोग जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।